राजस्थान परंपराओं रंग बिरंगी संस्कृति का प्रदेश। यहाँ के लोकगीत लोक नृत्य सभी के मन को छू जाते हैं। और हाँ, बात अगर करें यहाँ के कलाकारों की और अदाकाराओं की, तो ना जाने कितने ही कलाकार अपने टैलेंट के बलबूते सितारों की दुनिया में छाए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आप सबके लिए खास आप सबके लिए एक ऐसा कार्यक्रम लेके आ रही हूँ जो अपने आप में बहुत ही अनूठा है। आजकल हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए किसी ना किसी रास्ते पर चलना पड़ता है, या फिर उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक अच्छे से प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे ही टैलेंटेड कंटेस्टेंट को लेकर हम लेके आ रहे हैं एक ऐसा मंच जो उनके हुनर को और भी खूबसूरती से निखारेगा और उन्हें बनाएगा राजस्थान के सुपरस्टार। दोस्तों, हमने राजस्थान के अलग अलग शहरों में जाके ऑडिशन लिए और वहाँ पे बिखरे हुए टैलेंट्स को इस मंच पर लेके आ रहे हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए हमारे साथ इस मनोरंजक सफर के लिए जो बहुत ही रोमांचित है। चूंकि हमारा ये शो कंपटीशन का है तो जजेस का होना तो लाजमी है, इसीलिए हमारे शो को जज कर रही है खूबसूरत अदाकारा उपासना सिंह जी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान से की और अपनी काबिलियत के बलबूते पर आज इस इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। साथ ही हमारे दूसरे जज है जाने माने कोरियोग्राफर और डांसर देव गोस्वामी, जिन्होंने बॉलीवुड में काफी सारे हिट परफॉर्मेंस दी है। तो स्वागत है हमारे इन दोनों जजेस का हमारे इस शो राजस्थान के सुपरस्टार्स। अब देखते हैं आज की परफॉर्मेंसेस और सबसे पहले परफॉर्म करने आ रहे हैं अरुण गंगानगर से। सो लेट्स वॉच दिस परफॉर्मेंस। कोरियोग्राफी किसकी है? मैम, मेरे सर की। आपके सर की? तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत था। और मैं आपको बोलूं कि आप किसी भी अच्छे डांसर से, जो कि बड़े बड़े चैनल्स पे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जहाँ की बेस्ट डांसर्स परफॉर्म करते हैं, आप किसी भी अच्छे डांसर के साथ मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप उनसे किसी तरह से कम नहीं हैं। थैंक यू मैम। कोई और वर्ड क्या कहूंगी मैं, वेरी गुड। थैंक यू मैम। अरुण, मेरा हमेशा से एक सपना रहा है, मैं अपने आप को ज़्यादा बड़ा डांसर नहीं समझता,
मैं भी आप लोगों की तरह एक डांसर ही हूँ। मेरा बचपन से एक सपना है कि ये जो जॉलीवुड है ये राजस्थान का, मेरा सपना रहा है हमेशा से कि इसको भी उस बुलंदी पे पहुँचाए हम लोग। आज ये रियलिटी शो में और आप लोगों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर एक ना एक दिन ये सपना जरूर पूरा होगा। थैंक यू सर। तो वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का, तो प्लीज डोंट गो अवे, हम बस अभी गए और अभी आए। रोक ले ढाई शाम रोक ले और चक मुख चूम ले। सबसे अच्छी बात आप में ये लगी कि आपने विद एक्सप्रेशन डांस किया। तो चलिए दोस्तों शो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस। कैसे मनाऊं, हाय कैसे मनाऊं, क्यों ना बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे मोहन, क्यों कैसे मनाऊं, हाय कैसे मनाऊं। उन बिन कटे न रहना, उन बिन आवे न एक पल चे, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है और आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। डांसर आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगा डांस देखने के बाद कि लाइंस कहीं जा रही है, म्यूजिक कहीं जा रहा है और स्टेप्स कहीं जा रहे हैं। कृतिका, मेरे पास कोई कमी नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मैम ने सारी कमियां बता दी आपको, तो उन चीज को ही फॉलो करो, वही मेन है, ठीक है। अरुण और कृतिका ने तो अपने टैलेंट से हम सबका मन जीत ही लिया, अब देखते हैं इस कंपटीशन में बाकी कौन मार ले जाता है। तो चलिए हमारे अगले कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं प्रतीक एंड अनुप, और वो भी आ रहे हैं गंगानगर से। तो लेट्स वॉच दिस परफॉर्मेंस। डोली लेके पर केड़े आके ना, फिर मेरे जे भी पूछे सवाल, किस पर दस केड़ी गल लिए तू चा, हाल मजनू सा होया बे, उस सिकुन दी चीते
ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਕਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਬੇਪਰਵਾਹ प्रतीक मैडम, सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस कमाल का है। थैंक यू मैडम। आपने जो एंट्री ली और जो आप एकदम आंखों में आंखें डाल के जो फर्स्ट आपने परफॉर्म किया, मैं उसी से डर गई। मुझे लगा इस लड़के को जरूर अच्छे नंबर देने चाहिए। खैर ये तो मजाक हुआ, लेकिन आप सचमुच बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपने परफॉर्म किया। आपके मूव्स इतने नीट थे, अगर आपने हाथ उठाया तो वो बिल्कुल करेक्ट था और हर स्टेप आपका बहुत नीटली था और वेरी गुड परफॉर्मेंस। प्रतीक, मुझे भी आपकी एंट्री बहुत सॉलिड लगी, लेकिन क्या होता है ना, हर एक डिश में एक मसाले की जरूरत होती है, समझते हो? तुमने जो किया परफेक्ट, वो तुम्हारा एक अपना यूनिक स्टाइल है, लेकिन जब हम एक कंपटीशन फाइट करते हैं तो हम एक बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टाइल को लेके नहीं उतरते। कुछ यूनिक मेरे को नहीं दिखा, ठीक है। आई लाइक योर डांस स्टाइल, बीट नॉलेज वेरी नाइस, एक्सप्रेशन वेरी नाइस, लेकिन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी सर। यूनिक, अपना खुद का, इम्प्रेस हूँ पर और हो जाना थोड़ा। Dance is smoking, dance and moonwalk, dance is moving, it makes the world rock. Dance is cutting chai, takes it real high, hips is dope thug, hips is hot, ba-ba-ba-ba-da-da. Say like it pumped up, na-na-na-na-chicke, let's move it, don't you think, yeah, just do it. Dance is super cool, dance is hot, hot. Laga le jhatka, with what you got. If you can shake a leg, to dance aayega. Sala po booty nach ke dikhayega. Na kar bheja fry, just give it a try. Nach bindaas, duniya party mein jaye. Dikha de nach ke, you gonna prove it. Don't think ya da 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 do it. Anish ji, aap अच्छे डांसर हैं, लेकिन स्टेज को यूज करते हुए अगर आप सेम स्टेप्स को करते तो वो बहुत और भी खूबसूरत लगता। एक्सप्रेशंस दीजिए अपने डांस को, क्योंकि आप में वो सब कुछ है जो एक अच्छे डांसर में होना चाहिए। सोलो कंपटीशन में यही चीज ज्यादा नोट होती है कि आप कितना स्टेज यूज करते हो, आप कैमरास को कैसे यूज करते हो, आप अपने जजेस को कैसे इम्प्रेस करते हो, आप एक्सप्रेशंस कैसे हैं आपके, ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, वो बस वही कमियां हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैडम मैडम बोली छापा, कुछ कुछ जगह जो हल्की मुर्कियां हैं उसमें थोड़ा सा आप और इम्प्रूव कर सकते हो टाइम के हिसाब से। ਇੱਕ ਲਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ ਨੀ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਣੀ ਸੋਹਣੀਏ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੋਈ ਉਦਾਸ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਵਲ ਪਾਸ ਨਾ ਪਾਸ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਗੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ। पूरा नजर है कहां दूर रखना है, कहां पास रखना है। वाह क्या बात है, आज की इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखकर तो लग रहा है
कि हमारे कंटेस्टेंट जबरदस्त टक्कर देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की आखिरी दो परफॉर्मेंसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आकाश आ रहे हैं गंगानगर से और गरिमा आ रही है जयपुर से। तो चलिए देखते हैं इनके जलवे। बहुत बहुत नॉटी एक्ट था आपका। थैंक यू। लेकिन बहुत मजेदार था और आपके डांस ने मुझे एक कमाल के डांसर की याद दिला दी और वो है गोविंदा जी। तो मैं क्या कहूँ, ये आज अभी का जो आज मैंने जितनी भी परफॉर्मेंस देखी है मुझे लगता है ये बेस्ट एक्ट है। आप वेरी वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आकाश, सबसे मेन बात जो तुमने आज की है ना, वो यहाँ पे आज किसी ने नहीं की। जो तुमने जिमी जिम के साथ जो खेला ना आज, जो हम दोनों को भूल गए और तुम उसके साथ ही लगे पड़े रहे। थैंक यू सर। वो जो होता है ना स्टेज परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस, ये सब चीजें काउंट होती है। मैंने खुद ये चीजें अपने आप से नहीं, मैं खुद भी दूसरे को जब जज करते हुए देखता हूँ मैंने देखी है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें काउंट होती है। और ये आपने जो परफॉर्मेंस की है उसे मैं बोलूंगा मसाला। थैंक यू। ये होता है मसाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और जो तुमने कैमरे के साथ किया है वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक हमारे आज दादा भी खुश हो गए रहेंगे कि आज कुछ तो अच्छा हुआ। मुझे तो आपको देख के ऐसे लगता है कि आप राजस्थान का नाम रोशन करने के लिए पैदा हुए। सो अगर आप इसी तरह से परफॉर्म करते रहे आगे आगे, तो देखिएगा आप मुझे लगता है बुलंदियों तक पहुंचेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम।
में आई झील मिलाती जुगनू की बारा सबके होठों पे ठहरी थी आगे कोई बात ढोल मंजीरे बजने लगे कड़ी डफली पर था और झुमक झुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी झुमक झुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी जाने कहां से रासिर जाने आया छैला करीमा आपका परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है हाँ आपने कैसा डांस किया उसे बताने के लिए मैं ये कर सकती हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे पास भी कोई शब्द तो नहीं है हाँ एक छोटा सा एक शब्द है मैं एक बार वैभव मर्चेंट के साथ रिहर्सल कर रहा था ठगले गाने का जो कोरियोग्राफ किया है उनकी सिस्टर श्रुति मर्चेंट ने मेरे को 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि वो मेरे सामने परफॉर्म कर रही उनको कोई नहीं जानता शायद बाय फेस लेकिन शी इज़ अमेजिंग डांसर मतलब उनका बीट में एक्सप्रेशंस में हाथ पकड़ना नामुमकिन है उनको कोई जानता नहीं ज़्यादा मेरे हिसाब से तो शायद लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं उनको सामने दे रहा हूँ वेरी नाइस क्या बात है आज की हमारी सभी परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक रही तो चलिए जानते हैं जजेस से कि किसे मिला है टैलेंट ऑफ द वीक का खिताब तो इस हफ्ते अपना टैलेंट ऑफ द वीक का अवार्ड जा रहा है गरिमा को और वो 2 पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ आगे भी रहेंगे और उनका नाम मैं अनाउंस करने जा रही हूँ पहला नाम है आकाश और दूसरा नाम है अरुण आप तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप सब लोगों ने भी और मैं चाहती हूँ कि अगले राउंड में अगले इसी तरह के शोज में आप लोग जरूर परफॉर्म कीजिए क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इसी तरह से अवार्ड लेंगे ये तो आपने देखे आज के हमारे टैलेंट से भरपूर परफॉर्मेंसेस जो कि हमने आपको दिखाए हमारे पहले एपिसोड में हमारे राजस्थान के सुपरस्टार्स में और भी बहुत सा टैलेंट भरा हुआ है दोस्तों अगर आप भी हमारे इस शो में अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं या फिर हमारे इस शो में पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है rajasthankesuperstars@gmail.com और हमारे फोन नंबर है 7733067272